आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें व्यक्ति दया का भाव प्राणी के प्रति, जानवर के प्रति व पक्षियों के प्रति रखता है, वह भव सागर से पार हो जाता है। आप देख रहे हैं वासुदेव दर्शन। मैं राजकोट आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दोस्तों, बहुत पुरानी समय की बात है, एक भेलिया था। चिड़िया को जाल में या गोंद लगे बड़े भारी बांस में फंसा लेना और उन्हें बेच डालना ही उसका काम था। चिड़ियों को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उसका काम चलता था। एक दिन वह भेलिया अपनी चादर एक पेड़ के नीचे रखकर अपना बड़ा भारी बांस लिए किसी चिड़िया के पेड़ पर आकर बैठने की राह देखता बैठा था। इतने में एक टिटहरी चिल्लाती हुई दौड़ी आई और भेलिया की चादर में छिप गई। टिटहरी ऐसी चिड़िया नहीं होती कि उसे कोई पालने के लिए खरीदे। भेलिया उठा और उसने सोचा कि अपनी चादर में से टिटहरी को भगा देना चाहिए। इसी समय वहां ऊपर उड़ता हुआ एक बाज दिखाई पड़ा। भेलिया समझ गया कि यह बाज टिटहरी को पकड़कर खा जाने के लिए झपटा होगा। इसी से टिटहरी डरकर मेरी चादर में छिपी है। भेलिया ने मन में टिटहरी के प्रति दया आ गई। उसने ठेले मारकर बाज को वहां से भगा दिया। बाज के चले जाने पर टिटहरी चादर से निकलकर चली गई। कुछ दिनों के पीछे भेलिया बीमार हुआ और मर गया। यमराज के दूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। यमपुरी में कहीं आग जल रही थी, कहीं चूल्हे पर बड़े भारी कढ़ाई में तेल उबल रहा था। पापी लोग आग में भुने जाते थे, तेल में उबाले जाते थे। यमराज के दूत पापियों को कहीं कोड़ों से पीटते थे, कहीं कुलाड़ी से काटते थे। और भी भयानक कष्ट पापियों को वहां दिया जाता था। भेलिया के वहां जाते ही वहां सैकड़ों हजारों चिड़िया आ गई और वे कहने लगी, इसने हमें बिना अपराध के फंसाया और बेचा है, हम इसकी आंखें फोड़ देंगी और इसका मांस नोच नोच कर खाएंगी। बेचारा भेलिया डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसी समय वहां एक टिटहरी आई। उसने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, महाराज, इसने बाज से मेरे प्राण को बचाए हैं, इसको आप क्षमा करें। यमराज बोले, यह बड़ा पापी है, सब चिड़िया इसे नोचेगी और फिर इसे जलाया जाएगा और कुलाड़ी से काटा जाएगा, लेकिन यह छोटी टिटहरी इसको बचाने आई है। इसने एक बार इस चिड़िया पर दया की है, इसलिए इसको अभी संसार में लौटा दो और इसे एक वर्ष जीने दो। यमराज के दूत भेलिया को जीवन को लौटा आए। भेलिया के घर के लोग उसकी देह शमशान ले गए थे और चिता पर रखने वाले थे। वे लोग रो रहे थे। इतने में भेलिया जी गया। वह बोलने लगा और हिलने लगा। उसके घर के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसके साथ घर लौट आए। भेलिया को यमराज की बात याद आई थी। उसने चिड़िया पकड़ना छोड़ दिया, अपने भाइयों से भी चिड़िया पकड़ने का काम उसने छुड़ा दिया। वह मजदूरी करने लगा। सवेरे और शाम को वह रोज चिड़िया को थोड़े थोड़े दाने डालने लगा था। बहुत सी चिड़िया उसके दाने खा जाया करती थी। अब रोज वह भगवान की प्रार्थना करता था और भगवान का नाम जपता था।
इससे बहेलिया के सब पाप कट गए। एक वर्ष बाद जब वह मरा तब उसे लेने देवताओं का विमान आया और वह स्वर्ग चला गया। तुम्हें भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, सभी जीव पर दया करनी चाहिए। जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे।